Stop it! Stop it! You stop it! Don't shout at me! I'm not your subordinate! Talking nonsense! Behave yourself! What do you think about yourself? Please, stop it! How he is shouting at me? This is a hot issue these days because slang language or bad language is something which is being used by not only the parliamentarians, the people on the streets generally, the journalists, the intellectuals who are supposed to be intellectual elite of Pakistan. One of the value systems, one of the core principles of our value system is that we use good language. We are civilized people. We tend to respect people around us. We tend to use nice words for each other. कुछ चीजें हैं जो कि against societal norms हैं. सोसाइटी की नॉर्म्स हैं कि लड़के जो कह दें वो ठीक है, लेकिन लड़की अगर वही बात करे तो गलत है. उसकी एक दो वजूहात जो बड़ी फौरन आ जाती है सामने वो ये है कि जब आपको पता है कि जो फीमेल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उनका यही कॉन्सेप्ट है कि दे विल ग्रो अप टू बी मदर्स एंड दे हैव टू ब्रिंग अप चिल्ड्रन. तो अगर माओं की ज़बान को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा, लड़कियों की ज़बान को, तो बतौर माएँ और परहैप्स बतौर टीचर्स लेटर ऑन इन लाइफ वो फिर वही लैंग्वेज पास ऑन करेंगी, तो उसका ज़्यादा ख़तरा होता है कि वो आगे की जनरेशन्स पे ज़्यादा असरअंदाज होती हैं. हालांकि मेरे ख्याल में तो अगर मेल्स की ज़बान सही नहीं है तो वो भी तो आखिर किसी घर में मौजूद होंगे और उनकी ज़बान का भी असर आएगा, लेकिन फिर भी जनरली स्पीकिंग यही कहा जाता है. मैंने कोई उनके बारे में तुम्हारे जैसे कुछ कीजिए, आप गालियों पे उतर आए हैं, क्या बात करें? आप जानते हैं आपको कितने लोग देखते हैं? जो मर्द है द मेल जेंडर वो ज्यादा ये जबान यूज करते हैं, सेक्सिस्ट जबान यूज करते हैं. और वो जो आपने थोड़ा सा जवाब भी दे दिया था कि फीमेल्स जो हैं शायद ज़रा ज़्यादा स्ट्रिक्टली ब्रॉट अप किया जाता है उन्हें, तो उनकी जबान पे भी थोड़ा सा फ्रीडम का पहलू जो है उसको भी देखा जाता है. तो मेल्स को थोड़ी सी ज़्यादा खुली आज़ादी होती है. मेरे बेटे हैं और मैंने देखा कि उनका स्कूल जो है ऑल बॉयज़ स्कूल है. वहाँ पे एक तरह से आपके मैनहुड की जो सिंबलिज्म है वो यही है कि आपने कुछ गालियाँ देना सीख ली हैं, तो इसका मतलब आप बड़े हो गए, आप मेच्योर हो गए और अब आप मर्द बन गए हैं. तो मर्दानगी की अलामत बन गई हुई है कि आप बुरी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं.